continue to keep a track on all those developments when it comes to the India Alliance. But now let's shift our focus to the national capital, where Delhi police has arrested the accused in a Swiss woman's murder case. A charred body of a woman was found dumped near a school wall in Delhi's Tilaknagar area on Friday. According to the cops, the woman had met the accused during his visits to Switzerland. And as per initial proof, the accused got suspicious of the victim being involved with someone else. He had then asked her to visit India on the pretext of an India tour. And to conceal the crime, the accused allegedly purchased an old car under a woman's identity and kept the woman's body inside that. Later, he used the same car to dump the body and he fled the scene. The investigation also led to the recovery of a significant amount of 2.25 crore rupees from the accused residence. कल एक पीसीआर कॉल सुबह 8:45 से 9 बजे के बीच एक तिलकनगर थाने में रिसीव हुई थी. उस पीसीआर कॉल का संज्ञान लेते हुए लोकल पुलिस और थाने की जो स्पेशलाइज टीम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलाइज टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची. प्राइमा फेसाई हमें लगा कि ये मर्डर का मामला है, तो हमने धारा 302 और 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश शुरू करी. उस तफ्तीश के दौरान जब आसपास के कैमरे चेक करे गए तो उसमें दिखा कि एक सस्पिशियस गाड़ी है जो उसी समय पे वहाँ से निकली है. लोकल सूत्रों से भी हमने जानकारी हासिल करके और फिर एक गुरप्रीत नाम के व्यक्ति को हमने ट्रेस किया जो उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था. फिर फर्दर उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए लोकल सोर्सेस का और लोकल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कल रात को हमने उसको गुरप्रीत को जनकपुरी से अप्रीहेंड किया है. दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक विदेशी महिला की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस पूरे मामले में गुरप्रीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. बताया ये जा रहा है कि गुरप्रीत की मुलाकात इस महिला से विदेश में हुई थी, जिसके बाद वो अक्सर उससे मिलने के लिए भी जाता था. पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि गुरप्रीत को शक था कि इस महिला का संबंध किसी और शख्स से भी है, जिसको लेकर गुरप्रीत ने बाकायदा इस महिला को सबसे पहले हिंदुस्तान बुलाया, यहाँ पर घुमाने के बहाने उसे बुलाया गया और उसके बाद इस महिला को वो एक कमरे में ले गया, जादू दिखाने के नाम पर कमरे में ले गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद पुलिस का ये कहना है कि गुरप्रीत ने एक कार खरीदी थी जो कि एक दूसरी महिला के नाम पर ये कार खरीदी गई थी. यही वो सेंट्रो कार है जिसे गुरप्रीत ने एक दूसरी महिला की आईडी पे खरीदा और कत्ल करने के बाद वो इस महिला का शव इसी कार में रख देता है. लेकिन जब बदबू आने लगती है उसके बाद वो कार को लेकर जाता है और एक सरकारी स्कूल के पास इस महिला के शव को फेंक कर वहां से फरार हो जाता है. पुलिस का ये कहना है कि शव को फेंकने के बाद वो ये दूसरी जो कार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो नैनो कार है, इसके जरिए वो फरार होता है. पुलिस को शुक्रवार सुबह जो लाश मिलती है उसके बाद पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू करती है. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जाता है, जिसके बाद आखिरकार गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है. फिलहाल पुलिस गुरप्रीत से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद बताया ये जा रहा है कि गुरप्रीत को शक था कि इस विदेशी महिला का संबंध किसी और शख्स से है, जिसको लेकर उसने बाकायदा इस पूरे मामले में एक साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की, जिसके बाद उसने बाकायदा विदेशी महिला को हिंदुस्तान बुलाया, उसके बाद उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया. Moving on now, after